1997 में 5505 कलयुग बीत जाता है। 1994 में दास को नाम देने का आदेश पूज्य गुरुदेव जी से प्राप्त हुआ था। 1997 में परमेश्वर ने स्वयं आकर के आदेश दे दिया था कि अब इसको डिक्लेयर कर दे। आज देखो क्या रंग लग गया है उसका, और पूरा विश्व इसको मानेगा। परमात्मा ने कहा था कि सोहम शब्द हम जग में लाए। सोहम शब्द तो बहुत पहले से डिक्लेयर कर रखा है, भगवान ने शिव जी को दे रखा है, शंकर भगवान इसी का जाप करते हैं, इनके शिष्य हुए थे। सोहम शब्द हम जग में लाए, लेकिन ये किसी वेद शास्त्र में नहीं है सोहम शब्द, ना गीता में, ना वेद में, ना पुराणों में। पुराण तो इनकी बनाई हुई है ऋषियों की, ये अगर वेदों से मेल नहीं खाती कोई यूज नहीं उनका। वेद प्राचीन ग्रंथ हैं, उनमें कोई सोहम नाम नहीं मिलेगा आपको। और परमात्मा ने आकर डिक्लेयर किया है, और यही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में स्पष्ट किया हुआ है कि वो परमात्मा अपनी वाणी के द्वारा बोल बोल के ज्ञान सुनाता है, सबको प्रेरित करता भक्ति के लिए, और वो भक्ति के गुप्त नामों का आविष्कार करके देता है। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। तो ये परमात्मा ने कहा कि सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे, कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। ये सार शब्द से मिटना था जन्म मरण, और ये अभी तक गुप्त रखनी थी। तो अब ये वो समय आ गया है कि आपका ये जन्म मरण का रोग नाश होगा। तो हमारा उद्देश्य यहां पर जो मूल सौदा हम बेचते हैं, हम जो देते हैं आपको, जो सौदा करते हैं आपसे, आपसे कुछ नहीं लेते, आपसे केवल समर्पण होना ही हम मांगते हैं कि परमात्मा पर समर्पित हो जाओ। और इस भक्ति का जो मंत्र आपको दिए गए सारे, अब कहने का भाव यह है कि और जो दूसरे आपके संकट हैं, ये तो हम आपको वैसे ही निवारण करेंगे, जैसे रूंगा बोलते हैं, रूंगा रूंगे में देंगे, रूंगे में, वो सौदे में नहीं आता रूंगा, वो तो एक्स्ट्रा दिया जाता है। जैसे पुराने समय में, अब तो वो समाप्त हो गई सिस्टम, पहले गाँव में इतनी दुकानें नहीं होती थी, बाहर के फेरी लगाने वाले आते थे, कोई टिंडे बेचा करता, कोई घिया, कोई तोरी, कोई आम या कोई बेर बेचने वाले आते थे। तो हमारी दादी जी एक बेला भर के, कटोरा भर के गेहूँ का या चनों का जो भी उपलब्ध होती थी, कणक, किसान घर में जन्म था हमारा, और वो ले जाती थी, पूछती थी भाई कैसे देता है ये, जैसे टिंडे कैसे देता है सब्जी के लिए। तो कहता था ताई गेहूँ के दो बार देता हूँ, एक प्लेट में गेहूँ डाल दिए और दो बार उसके इक्विवेलेंट उसके बराबर टिंडे तोल कर डाल दिए, सौदा हो गया, बराबर हो गया जो सौदा था। फिर हमारी दादी जी कहा करती रूंगा और दे भाई, वो एक टिंडा उठा कर और दे देता। तो वह कहती ना और दे, वो एक दो और दे देता, यानी वो था रूंगा, वो सौदे में नहीं था, एक्स्ट्रा लाभ लिया हो। तो यहाँ जो आपके संकट दुख रोग किसी भी प्रकार के हैं, तो ये सौदे में नहीं हमारे में, ये तो रूंगे में देंगे आपको, ले ये भी ले ले, ये भी ले। और पुणात्मा दास बार बार कहता ये एक डूब बाट के गीत नहीं है, ये उस समर्थ की महिमा है, उस समर्थ का ज्ञान है, उसके दिए हुए विधि भक्ति मंत्र हैं, इनसे वही लाभ होगा जो दास बता रहा है, भगवान ने बताया है। अब जैसे जब तक हम सुखी हैं तब तक हम कोई भी भक्ति कर रहे हैं किसी भी देव की, किसी इष्ट की, या ना कर रहे हैं, तो आपके वही प्रारब्ध के किस्मत के कर्म ही आपको प्राप्त हो रहे हैं। जैसे किसी ने इन्वर्टर की बैटरी चार्ज कर रखी है, वह फुल हो ली और फिर चार्जर लगाया नहीं, तो वह फिर भी काम कर रही है, चार्जर हटा रखा है, चार्जर है ही नहीं आसपास भी, और ना चार्ज लगाने की कोई बिजली उपलब्ध है, तो फिर भी वो चल रही है, चल रही है, खूब काम कर रही है, पंखे भी, लाइट भी खूब चल रही है। तो जब तक वो बैटरी चार्ज है तब तक तो नो प्रॉब्लम, और जब वो बैटरी होगी डिस्चार्ज फिर प्रॉब्लम प्रॉब्लम,
नथिंग एल्स। तो पूर्व जन्म के जिसके जितने संस्कार पुण्य कर्मी जितने उसने बैटरी चार्ज कर रखी है, कोई प्रधानमंत्री बना है, कोई राष्ट्रपति बना है किसी देश का, कोई आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर जज, या कोई सेठ बना है, कोई अच्छा किसान बना है, कोई अच्छा दुकान चल रही है, कोई वैसे किसी के बच्चे अच्छे हैं, कोई नौकरियां प्राप्त हैं, तो ये उनकी पिछले जन्म की बैटरी चार्ज है, वही चल रही है, आगे चार्जर नहीं है। और जब आगे चार्जर नहीं है तो वो बैटरी जब तक पूर्व जन्म की चलेगी चलेगी, फिर कैर टूटने लगेंगे, जब दुख शुरू होंगे वो पुण्य खत्म हो जाएंगे। हमारे जीवन में पुण्य और पाप दोनों साथ हैं। जब तक पुण्यों का दौर चलता है तो हम सोचते हैं हम बिल्कुल सुखी हैं, और ये भी सोचते हैं हम ऐसे ही निभाएगी, ऐसे ही चलेगी, और जब वो पुण्य समाप्त हो जाते हैं, वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है और फिर पाप का दौर शुरू होता है, फिर हम भटकने लगते हैं, क्योंकि जो पूजाएं आप कर रहे थे उनसे तो राहत मिली ही नहीं, उनके करते करते ये दुख और संकट आ गए आप पर, तो तब आपको उन पूजाओं में अविश्वास हो गया जो आप पहले कर रहे थे। फिर आपको किसी ने बताया कि उस मंदिर में मत्था टेकने से लाभ होता, आप फिर वहां जाते हो। किसी ने आपको बताया कि वैष्णो देवी जाओगे वहां पहुंचोगे तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा, आप वहां पहुंच गए, यानी वो जो साधना पहले कर रहे थे वो छोड़ दी। फिर आपको किसी ने बताया बालाजी जाइए, आप फिर वहां जाते हो। तो कहने का भाव ये है कि जब आपके पाप कर्म का दौर शुरू हुआ और जिन साधनाओं को करके आप निश्चिंत बैठे थे हम बिल्कुल सुखी हैं, तो उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, क्योंकि वो साथ पहले भी नहीं देने वाली थी। उस समय आपको कोई कहता कि साधना कर रहे हुए ठीक नहीं है, आपको लाभ नहीं मिलेगा, तो आपको कभी विश्वास नहीं होता, न आप मानते हो, और फिर जब संकट आते हैं फिर आप सभी मान जाते हो। तो कहने का भाव यह है दास का कि आज आप यहां जो आए हैं, आपके पूर्व जन्म के संस्कार व बैटरी कति खत्म हो ली, अब हम देंगे चार्जर उस परम पिता की पावर के लगाने का, ये भक्ति विधि, और फिर आप उस चार्जर को लगाए रखना आखिरी सांस तक, कनेक्शन ना कटने देना, तो आप इस जीवन में सुखी रहोगे और सतलोक चले जाओगे, आपकी भक्ति बहुत बढ़ जाएगी, आपके संकट भी नाश होंगे। तो आप यहाँ आए हो, जो इस ज्ञान को समझ जाएंगे, यहाँ पर दो प्रकार के प्राणी पूरा लाभ उठाते हैं, एक तो ज्ञान समझ कर आते हैं और दूसरे जो सब जगह भटक भ्रम लिए और कहीं से लाभ मिला नहीं, और फिर वो यहाँ टिक जाएंगे, अकोर की तक ठिकाना नहीं, सब जगह जा लिए, तो फिर उनकी व्यवस्था होगी, मजबूरी होगी यहाँ आने की, और यहाँ आते रहे तो वो लाभ मालिक देगा, और फिर हम ज्ञान सुनाते हैं यहाँ बैठाकर आपको। तो यहाँ आपसे प्रार्थना की जाती है जब तक सत्संग चले आप सब चिंताएं और इधर उधर की गल्ला बातें छोड़ के ध्यान से सत्संग सुनो, चाहे कोई रोगी है, चाहे कोई संकट है किसी प्रकार का, आप एकाग्रचित होकर सत्संग सुनोगे तो राहत मिलेगी, और ये ज्ञान ग्रहण होगा, इस ज्ञान से आपको 70% लाभ तो ज्ञान से मिलेगा। लाभ का मतलब है आत्मा में दृढ़ता आवेगी हर प्रकार की, और 30% फिर बाकी जो संकट है वो आपकी भक्ति और लाभ से होगा।